अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फितनों का दौर। फितनों से मुराद गुमराही भी है, जैसा कि मफहूम हदीस है कि हज़रत सल्लम ने फरमाया कि आगे आने वाले दौर में फितने आम हो जाएंगे। मतलब कि हम लोग जो हैं सही और गलत की पहचान भी नहीं कर पाएंगे। हम बहुत से गुनाह नेकियां समझकर कर रहे होंगे, बहुत सी बिदआत जो कि दीन का हिस्सा हम बना लेंगे, हालांकि वो दीन का हिस्सा होगा नहीं। और ऐसा हो भी रहा है, बहुत से लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला कराम के नाम का हवाला देकर गलत मालूमात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हम भी इतने आलसी और गाफिल हैं कि किसी भी मालूमात को बग़ैर तस्दीक किए अपना लेते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे शौक़ और ज़ौक़ के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन होती है और हमें ये फ़ायदा मंद नज़र आती है, तो हम आंखें बंद कर कर उन्हें फौरन अपना लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप फितनों और अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हैं तो ख़ुद को भी और अपने घर वालों को भी दीनी तालीम की तरफ रागिब करें और हर हदीस का हवाला मांगा कीजिए। कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो उससे पूछें, ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से लिया है, हमें इसका हवाला दें। और अगर कोई आपको हवाला दे भी देता है तो उस पर यकीन करने से फिर भी आप गुरेज कीजिए। पहले आप तस्दीक कीजिए कि ये वाकई जहाँ जिसका किताब का हवाला लिखा है, जो कि इसमें रेफरेंस हवाला नंबर आगे से दिया गया है, वो ठीक है कि नहीं, उसे पूरा पढ़िए और फिर जाकर उस पर अमल कीजिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। काइंडली लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।